गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मुझसे हो गई कुछ ऐसी गलती जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें और आपको भी वही फेस करना पड़े जो मैंने फेस किया। मतलब सोचा भी नहीं था कि एक मेल ना पढ़ना या फिर चीज़ों को इतना ना देखना इतनी बड़ी पनिशमेंट हो जाएगी मेरे लिए। सो अभी क्या हुआ था, लास्ट मंथ 30th of October को मेरा जो चैनल है, मेरा मेन चैनल बिगनर्स क्रिएटिविटी, वो डीमोनेटाइज हो गया था। और जब मुझे वो मेल आया, रात के करीब 10 बजे के आसपास वो मेल आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो विक्रांत घर से बाहर थे। विक्रांत ने मेरे को कॉल किया कि याशिका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, ऐसे ऐसे मेल आया। मतलब हालत ख़राब मेरी, लिटरली आई वॉज लाइक क्या, क्योंकि वो चैनल मुझे बनाने में पूरे 3 साल, मुझे नहीं कहूँगी हमें, वो चैनल हमें बनाने में पूरे 3 साल लगे। और एक ऐसे बोलते हैं ना, चुटकी बजाते ही ऐसा लगता है कि अच्छा यार 3 साल की मेहनत गई पानी में, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि चैनल डिमोनेटाइज हो गया है ड्यू टू सम रीजंस एंड ऑल। रीज़न भी नहीं पता, तो ये लग रहा था कि यार मैंने तो अपने चैनल पे कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए कि चैनल डीमोनेटाइज हो जाए। मतलब बहुत सिंपल और सटीक तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, एक नॉर्मल चीज़ें फॉलोअप करती हूँ, कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं, कुछ नहीं। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ गई कि यार क्यों हुआ, कैसे हुआ ये वो। विक्रांत बाहर गए हुए थे, जैसे विक्रांत घर वापस आए तो यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट जो होता है उससे बात की, पूरा वहाँ चैट सेक्शन होता है यूट्यूब स्टूडियो में, वहाँ बात की। तो पता चला कि अभी जो चीज़ें थी वो अपडेट नहीं हुई थी, 24 आवर्स लगते हैं। तो एक माइंड में ऐसा भी आता कि क्या पता कि कोई गलत मेल आ गया हो एंड ऑल। तो बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी, सब कुछ देखा, मेल एकदम जेन्युइन था। तो ये तो था कि भाई अब तो गया, मतलब 3 साल की मेहनत, ऐसा लग रहा था अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगी, बिल्कुल शुरू से, मतलब एकदम बोलते ना ज़ीरो से शुरुआत करनी, वो वाली सिचुएशन आ गई थी। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में सो करके उठे तो देखा कि हमारा चैनल जो है डीमोनेटाइज हो चुका था। बहुत दुख हुआ, मतलब मैं सच में नहीं बता सकती, मैं 2 दिन तो ऐसे, मैं विक्रांत यार चैनल डीमोनेटाइज हो गया, और ये हमेशा कहते थे लेव इट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सीरियसली मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। फिर पता चला कि रीज़न क्या था, जब एक कंप्लीट मेल आया कि रीज़न था मिसलीडिंग मेटा डेटा। उसका मतलब क्या है? अच्छा, आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है सभी ये करते होंगे जिन्होंने भी YouTube पॉलिसीज पर, मैंने नहीं ध्यान दिया था। अब से पहले क्या था कि आप इस तरह से हैशटैग डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आई थिंक नवंबर या दिसंबर में YouTube की पॉलिसी चेंज हुई थी 2020 में, वो ध्यान नहीं दिया। अब तो मेरे पास जो भी मेल आता है मैं पूरा मेल सच में पढ़ती हूँ, इतनी ज़्यादा अवेयर में हो गई हूँ, तो मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। मिसलीडिंग मेटा डेटा में आपका टाइटल, आपके हैशटैग और मेटा टैग्स आते हैं। टाइटल लाइक मैंने अमेजन वीडियो डाली, अमेजन हॉल डाला, उसमें मैंने लिख दिया अमेजन कुर्ता हॉल, ठीक है, अमेजन कुर्ता सेट हॉल, अमेजन हॉल। तो मतलब एक अमेजन वर्ड मैंने 3 बार रिपीट किया, दैट इज मिसलीडिंग टाइटल, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप भी हॉल वीडियो शूट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो गलती मुझसे हुई मैं नहीं चाहती कि किसी और से हो। सेकंड जो था प्रॉब्लम आती है हैशटैग की, हैशटैग लाइक टैग्स के थ्रू ही वीडियो आपकी सर्चिंग में आती है। तो मैं किस तरह से डालती थी हैशटैग मीशो हॉल, मीशो कुर्ता हॉल, पर कभी मैंने ऐसा नहीं किया, जेन्युइनली मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरी मीशो की वीडियो है मैं अमेजन के टैग डाल रही हूँ, अमेजन की वीडियो है मीशो के टैग डाल रही हूँ, बिल्कुल जेन्युइन टैग डालती थी। लेकिन हाँ, रिपीटेशन द वर्ड, एक सिंगल वर्ड जब रिपीटेशन होती है ना उसकी, तो वो मिसलीडिंग के अंदर आ गया। तो फिर जब हमारा, मतलब चैनल डिमोनेटाइज हो गया, अप्रोक्स 584 वीडियोस थी जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो हमने डिलीट भी कर दी। लेकिन इस बार हमें कोई रिस्क नहीं लेना था, और ये सारा काम टू बी वेरी फ्रैंक विक्रांत ने किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी हमारा जो हैशटैग का सेक्शन था वो बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, मतलब हमने एक सिंगल हैशटैग नहीं छोड़ा। क्योंकि जो पूरा प्रोसेस होता है ना, लाइक आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, डीमोनेटाइज के बाद आप रीअप्लाई 1 मंथ के अंदर करोगे, और 1 मंथ का मतलब पता है क्या है कि आपका जो भी मोनेटाइजेशन चल रही है ना उसकी 0 से शुरुआत होना। मतलब मैं 0 पे आकर रुक चुकी हूँ सीरियसली। और मुझे ये था कि मैंने कहा यार चलो अब जो हो गया मुझे फ्यूचर में ये नहीं होने देना है।
तो हमने ना जो हैशटैग सेक्शन था वो बिल्कुल ब्लैंक, टाइटल एकदम नॉर्मल रखे, 580 अप्रॉक्स वीडियोस विक्रांत ने सारी एडिट की, सब कुछ किया, सेव किया। 29th ऑफ नवंबर को हमने किया रीअप्लाई, हमने मॉर्निंग में रीअप्लाई किया था और रात को हमें मेल आ गया कि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। तो मैं बहुत खुश हुई कि मैंने कहा चलो यार हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। शुरुआत अभी भी मेरी वही है कि मुझे जीरो से स्टार्टिंग करनी है, आज की डेट में भी डॉलर जीरो है तो शुरुआत पर ये है कि हाँ चलो जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो मुझे पता चल गई, और अगर मुझे पता चली है तो आप लोगों को भी मैं बता दूँ जिससे कि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि एक एक डॉलर बड़ी मुश्किल से बढ़ता है, तो जब वो आपका पहुंच गया था फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी है। दैट मीन्स कि मेरा जो 3 साल में मैंने सब्सक्राइबर कमाए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि वो मेरे साथ हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर से मैं वो 3 साल की मेहनत 3 महीने में कवर अप कर लूँगी। लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख है, अब मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। सो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन गाइज अगेन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने की है और जितना मैंने फील किया है, क्योंकि हर कोई हर एक फील्ड में पूरी मेहनत करता है और जब कुछ भी ऐसा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना वीडियोस में, टाइटल में, हैशटैग में, मेटा टैग्स में थोड़ा ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप जल्दी से मेरी वीडियो देख सकें। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।